हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे फाफड़ा। इसके लिए हमने आधा बाउल बेसन लिया है, नमक, काली मिर्च जिसको दरदरा कूट लिया है, हींग, बेकिंग पाउडर, अजवाइन, ऑयल और पानी। अब हम एक बाउल में बेसन डालेंगे और हमने हींग और काली मिर्च लिए वो आधी छोटी चम्मच है दोनों, वो डाल देंगे। नमक और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और हमने अजवाइन लिया है आधी छोटी चम्मच, उसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे मसल के डाल देंगे और एक चम्मच जितना ऑयल, और इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बहुत कम चाहिए हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार करेंगे। अब हमने आटा गूंद लिया है, ऐसा हमें चाहिए थोड़ा कड़क, और अब हम थोड़ा सा आधी चम्मच जितना ऑयल लेके इसे मस लेंगे और चिकना बना लेंगे। हमने आटा गूंद लिया है, देखिए ऐसा हमें सॉफ्ट आटा चाहिए। ये देखिए हमने इतना आटा लिया है, इसे ऐसे राउंड शेप में करेंगे और हमने ये खुरदरी जगह पे ऐसे इसे करना है। अब हम नुकीले चाकू की मदद से इसे ऐसे निकालेंगे। हमें ये धीरे धीरे ही निकालना है। ये देखिए हमारा फाफड़ा रेडी है। अब हमने ऑयल गर्म करने रखा है, हम एक एक बना के उसमें डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें फाफड़े डालेंगे। एक एक करके हम तीन चार इसमें डालेंगे। हमने बड़ा नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ी कढ़ाई हमारे पास इतनी नहीं होती, तो हमने छोटे छोटे ही फाफड़े बनाए। अब हम इसे पलटाएंगे। हमने इसमें 6 से 7 फाफड़े साथ में डाल दिए हैं। अब हम इसे धीमी आंच पे तल रहे हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक डिश में। रेडी है फाफड़े। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।